सो व्हाट्स अप माई फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और हमेशा बढ़िया रहना। तो भाई लोग, अब सब लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखो। और भाई लोग, ये ऐप एंड्रॉयड 12 में भी सपोर्ट करने वाला है। मैं एंड्रॉयड 12 में चला के देखा, ये चल रहा था। लेकिन गाइज, मैं 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि ये सभी एंड्रॉयड 12 डिवाइस में अच्छे से सपोर्ट करेगा, पर मैं ये 100% गारंटी के साथ आप सब लोगों को कह सकता हूँ कि ये एंड्रॉयड 11 में अच्छे से काम करेगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखो। अगर भाई लोग चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि इस तरह की वीडियोस आप सब लोगों को रोज़ देखने को मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई लोग, यही है वो एप्लीकेशन जिसका मैं आज फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। और गाइस, इसका नाम देखो, यहाँ पे ऊपर लिखा है BOOM बूम, पर इस एप्लीकेशन का नाम है JINX। तो गाइस, पहले हम इसको सिंगल मोबाइल एक्टिवेशन करेंगे, फिर इसका की मैपिंग करेंगे और फिर इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाएंगे और देखेंगे कि गाइस इसका सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा स्टेबल है और इस ऐप में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो चलो गाइस, मैं फटाक से गया और रॉकेट की तरह एक्टिवेशन करके वापस आता हूँ अभी। तो भाई लोग, आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा कर्जर आ गया है, एकदम गाइस एकदम छोटा सा, बिल्कुल पीसी वाला। और इस ऐप का गाइस लोगो कुछ इस तरह का दिखता है, जो गाइस दिखने में बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, डायरेक्ट हम सब लोग चलते हैं अपने कस्टम HUD पर और वहाँ पे गाइस सेट करते हैं अपना की मैपिंग। तो गाइस देखते हैं एकदम कीबोर्ड एंड माउस स्टिक से वर्क करता है या नहीं। अगर गाइस करता है तो मैं आप सब लोगों को बताऊँगा, अगर नहीं करता है तो भी आप सब लोगों को बताऊँगा। तो गाइस चलते हैं डायरेक्ट अपने कस्टम HUD की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे मैं पहले एड्स को कट कर लेता हूँ। गाइज, मेरे घर पे नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है, तो गाइज प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पे गाइज मैं एड्स को कट कर लिया और गाइज यहाँ से चलते हैं अपने कंट्रोल्स कस्टम HUD। और गाइज, यहाँ पे मैं अपना जो गीक गेमर का सेटिंग है यहाँ पे करके रखा हूँ। और गाइज, ये सब कुछ लेफ्ट साइड पे होने के नाते गाइज मैं सभी की मैपिंग, मतलब जो भी नए नए ऐप्स आता है, तो गाइज इस की मैपिंग, मतलब इस कस्टम HUD के ऊपर ही सभी ऐप्स की मैं की मैपिंग करता हूँ, ताकि गाइज वो जो जॉयस्टिक प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं कि की मैपिंग एकदम, गाइज यहाँ पे ये वाला जो है, ये गाइज है रेडियस वाला, कि कितने परसेंट आप सब लोग का जो बटन शो हो। और गाइज ये वाला जो चीज़ है, ये गाइज सेंसिटिविटी है, इसको आप सब लोग एकदम कम ही रखना तो ही अच्छा होगा। तो गाइज यहाँ पे टैप करके, तो गाइज यहाँ पे ये वाला जो है, ये गाइज यहाँ पे जो 360° बटन यहाँ पे हम सजा लेते हैं। और गाइज यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, ये जॉयस्टिक है। गाइज मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा क्या चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो आप सब लोग देखो, जॉयस्टिक को हम कुछ यहाँ पे सेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे ऐड की करके हम सब लोग स्पेस बटन को ले लेते हैं। तो गाइज आप सब लोग हमारा की मैपिंग को एंजॉय करो। तो भाई लोग, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे JINX ऐप को ओपन करके यहाँ पे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया हूँ। और गाइज यहाँ पे आप सब लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हेडशॉट इस ऐप में कैसे लगते हैं। गाइज यहाँ पे देख सकते हो, गाइज यहाँ पे सेंसिटिविटी मैं थोड़ा हाई करके ही रखा हूँ आप सब लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे देखो इसका एक्यूरेसी कितना, गाइज मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे गाइज देख सकते हो, यहाँ पे रिकॉल गाइज थोड़ा बहुत कर रहा है। तो बाद में मैं इसके गाइज सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत मैं कम कर दूंगा, इसके बाद अच्छे से हेड लगने लगेगा। लेकिन गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत, आप सब लोग, मतलब जो लोग हाई सेंसिटिविटी पसंद करते हैं, तो उन सब बंदों के लिए एकदम ये परफेक्ट सेंसिटिविटी है। आप सब लोग भी देखो गाइस, यहाँ पे हेड तो थोड़ा बहुत लग रहा है। आप सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, कभी कभी जॉयस्टिक स्टक कर जाता है गाइस यहाँ पे, इस तरह की मैपिंग करने के बाद भी। आप सब लोग गाइस थोड़ा बहुत वो जो अपना माउस का जो कर्सर बटन है उसको ऑन ऑफ करते रहना, ताकि गाइस जॉयस्टिक बटन या मूवमेंट कुछ भी एकदम, मतलब एकदम सही से काम करे। और गाइस अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं और लेते हैं एक शॉटगन, देखते हैं फिर क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो, गाइस देखो यहाँ पे वन टैप, मतलब मिड रेंज से कितना अच्छा लग रहा है गाइस। लेकिन बॉडी शॉट गाइस थोड़ा बहुत, गाइस यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे से वन टैप आ रहा है। गाइज यहाँ पे देखो ओनली रेड नंबर आ रहा है मिड रेंज से गाइज। गाइज इस तरह की ऐप अगर आप सब लोग यूज़ करते हो, तो आप सब लोगों को थोड़ा हाई सेंसिटिविटी करना पड़ता है, ताकि अच्छे से हेडशॉट लगे। गाइज ये मिक्स प्रो या फ्लाइट जी की तरह तो नहीं है कि अच्छे से एकदम परफेक्ट हेडशॉट लगे।
तो गाइज यहाँ पे इस तरह से देखो गाइज, इस तरह से हेडशॉट मार पाएगा। और गाइज मैं तब से एक बार भी माउस का कर्सर बटन को ऑन ऑफ नहीं किया, इसलिए गाइज यहाँ पे एम थोड़ा स्टक हो रहा है गाइज, स्क्रीन थोड़ा स्टक हो रहा है गाइज, लेकिन मैं आप सब लोगों को ऐसे ही दिखाऊंगा कि कब तक ऐसे चलता है गाइज। गाइज ये तो मुझे अच्छा स्टेबल लगा, स्मार्ट गागा ऐप की तरह ही लगा गाइज, बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है, आप सब लोग ज़रूर से डाउनलोड करो। इसका डाउनलोड लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे गाइज ये ऐप गाइज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, पर स्मार्ट गागा की तरह, मतलब स्मार्ट गागा मेरा एक फेवरेट एप्लीकेशन है, ये तो गाइज उतना अच्छा नहीं है पर अच्छा है गाइज, आप सब लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ तक आप सब लोग अगर वीडियो देख चुके तो शायद यह वीडियो आप सब लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा अगर, तो गाइज एक लाइक ज़रूर से कर देना। और गाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, तो और आप सब लोगों को बोर नहीं करवाऊँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तब तक स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय, सी एवरीवन, लव यू ऑल।